Hello class, in our last lecture we have discussed about the chemical equation, its type. Now we are going to discuss about the chemical reaction and its type. Chemical reactions, as we have discussed earlier, chemical reaction, process in which there occurs a chemical change. Chemical change ho raha hai, jis bhi process mein wo cheez kehlati hai chemical reaction. So now we are going to discuss about the type of chemical reaction. Type number one, exothermic reaction. Exothermic reaction. Exo, word comes from exit. And therm word jo hai, that comes from heat. As heat is a form of energy, exit heat. Heat ka bahar hai. एनर्जी का बाहर दोज रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज इवॉल्व एग्जिट हो रही है वो रिएक्शन जिसमें हीट या फिर एनर्जी बाहर आ रही है वो रिएक्शन कहलाएंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो रिएक्शन इन विच हीट विच इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी is evolved, outward, given. If you consider about the example, when we respire, respiration, during respiration, the food we eat get oxidized. This is the food we eat, it get oxidized. Reacts with the oxygen. Food we eat reacts with the oxygen and get converted into CO2, water, and energy. जितना खाना खाते हैं उतनी energy है. As energy is released, it is exothermic reaction. Like इसी कैसे दूसरा एक example हम लेते हैं. For example. बर्निंग ऑफ एनिमल फ्यूल किसी भी फ्यूल को हम जला रहे हैं फ्यूल सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे हमें एनर्जी मिलेगी फॉर एग्जाम्पल इफ वी बर्न प्रोपेन और ब्यूटेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी एलपीजी जो हम लोग हम यूज करते हैं C4H10 ब्यूटेन जो है इसको अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूंगी तो ये हमारे पास CO2 वाटर और एनर्जी एनर्जी बाहर आ रही है इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक एग्जांपल चूना हम लोग डेली लाइफ में डेली देखते हैं That is a quick lime, chuna. This is quick lime, chuna जिसको बोला जाता है. चूने में मैंने पानी मिला On mixing quick lime with the water, reactions take place and we have calcium hydroxide which is lime and this is slaked lime, चूने का घोल. जब ये रिएक्शन हो रही है जिस भी बीकर के अंदर जिस भी बर्तन में हम इसको करते हैं तो यहाँ पे अगर हमने इसमें चूना और पानी मिला दिया तो इसका जब ये घोल बना तो ये बर्तन जो है ये जो बीकर है ये यहाँ से गर्म हो जाएगा बिकॉज ये गर्म हो रहा है इसमें से हीट बाहर आ रही है एनर्जी बाहर आ रही है इट इज अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मिक्सिंग ऑफ क्विक लाइम विद द वाटर चूने से चूने का घोल बनाना वहां पे भी हमारे पास दैट इज अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन टाइप नंबर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंडो
इंडो जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम इंडो इंडो लाइक इन इन मींस अर्थ थर्म अगेन स्टैंड फॉर हीट और वी कैन से एनर्जी एज अ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन हीट हीट का इन्वॉल्व होना हीट का अंदर आना एनर्जी का यूज अप होना सो दोज रिएक्शंस इन विच हीट और एनर्जी इज इन्वॉल्व इन दैट केस इट इज इवॉल्व इन दिस केस इट इज इन्वॉल्व और यूज That is the case for the endothermic reaction. If we consider an example of photosynthesis, during photosynthesis, green plants make their food by using sunlight, water, energy, CO2, like CO2, water. क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट बनाए हैं क्लोरोफिल और सनलाइट का ये यूज करते हैं सनलाइट एज अगेंस्ट सनलाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी सीओ टू एंड वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज दिस इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज यूज्ड अप Light energy is used. As energy is involved in the reaction, it is again endothermic reaction. Consider an example. Second example. If we take an example of iron sulfate, speaking of iron sulfate. आयरन सल्फेट जो है इसके ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं FeSO4 क्रिस्टलाइन फॉर्म में इट इज ग्रीन कलर एंड इफ आई हीट इट रेडिश ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3 रेडिश ब्राउन कलर का आयरन ऑक्साइड यहाँ पर बनेगा एंड देयर इज एवोल्यूशन ऑफ गैस विद सल्फर डाइऑक्साइड Which produces suffocation. SO2 जो है इसकी पहचान इसी फॉर्म में होती है कि इसमें suffocation होती है when we inhale this gas SO2 दम घुटने जैसा हो जाता है suffocation हो जाती है तो ये इस रिएक्शन की पहचान भी है कि अगर कोई ग्रीन कलर का कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है हीट करने पर रेडिश ब्राउन और suffocating गैस के अंदर तो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन होगी और क्योंकि इसके अंदर हीट एनर्जी डेल्टा साइन फॉर डी हीट एनर्जी का यूजअप हो रहा है इस वजह से ये रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शन है हीट का इन्वॉल्व हो रहा है नेक्स्ट इज टाइप नंबर थ्री कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन कंबाइन मीन्स जुड़ना जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता कंडीशन इज प्रोडक्ट शुड बी सिंगल एक ही प्रोडक्ट आना चाहिए दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए कंबाइन हो जाए जुड़ जाए मिल जाए और एक प्रोडक्ट बनाए दैट रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन सो रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन सिंगल प्रोडक्ट इस रिएक्शन की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि रिएक्टेंट एक से ज्यादा होने चाहिए और प्रोडक्ट जो है जो भी सिंगल प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट बनेगा जनरल सा एग्जांपल हमारे लिए कॉमन लाइन से C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन
they combine to form CO2. C plus O2 gives CO2. Single product बन रहा है, carbon dioxide बन रहा है, single product है, दो reactant है. तो ये reaction कैसे कहलाएगी? Combination reaction, combine होके single product बना रहे हैं, combination reaction. इस reaction में heat energy भी बना रखी है. Heat क्योंकि energy है, it is not a matter. ये matter नहीं है, ये सिर्फ एक energy है. तो हम consider सिर्फ इसको करेंगे combination में. और अगर हम हीट की बात कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक दोनों टाइप का एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है. सेकेंड एग्जाम्पल जनरल सा एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 प्लस O2 दे कंबाइंस टू फॉर्म वाटर वाटर बन गई. अगर मैं इसको बैलेंस करती हूँ, बैलेंस हमने पहले कर रखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, दो चीज़ें जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, दो मिलके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है सभी में, तो दैट कॉल आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. टाइप नंबर 4 इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोज कंबाइन मींस जुड़ना, डीकंपोज बायोलॉजिकल डीकंपोजिशन का मतलब अलग है, बट केमिकली डीकंपोज हम जब कहते हैं, डीकंपोज मींस ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना. तो वो रिएक्शन जिसमें अब कंडीशन बदलेगी, डीकंपोज टूटना, एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए, टूट जाए, डीकंपोज हो जाए. तो वो रिएक्शन, दो रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, कंडीशन इज एक रिएक्टेंट होना चाहिए, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, देन इट इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन. तो रिएक्शन इन विच कंडीशन इज सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. एग्जाम्पल अभी भी हमने आयरन सल्फेट का रिएक्शन की, आयरन सल्फेट एंडोथर्मिक में क्या था, आयरन सल्फेट हीट करने पर आयरन का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है. एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाना है, इट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन. सिल्वर क्लोराइड ज्वेलरी में यूज होता है. हम लोग देखते हैं बहुत, जो भी हमारे पास जो ज्वेलरी हम सिल्वर की यूज करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत शाइनी सी ज्वेलरी होती है, चमक होती है, सिल्वर क्लोराइड इस तरह. तो व्हाइट कलर की ये ज्वेलरी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सनलाइट का एक्सपोजर होता है, धीरे धीरे टाइम के साथ ये व्हाइट कलर से कन्वर्ट हो जाती है एक्चुअल सिल्वर कलर, ग्रे कलर, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, इज सिल्वर कलर लाइट. और यहाँ पे क्लोरीन गैस जो कि ग्रीन कलर की है, ग्रीन कलर की गैस यहाँ से लाइट के प्रेजेंस में एक कंपाउंड टूट रहा है दो या दो से ज्यादा डीकंपोजिशन. इफ आई कंसीडर अबाउट द वाटर, वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वाटर, इट गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ पे वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स टू
form two or more products that all are included in decomposition reaction जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा। अब यहाँ पे हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हम देख रहे हैं एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट रहा है बाय यूजिंग सम एनर्जी, आइदर द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी फॉर्म में जब हमारे पास एनर्जी हम दे रहे हैं तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शन।